हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वेंजेंस। आज मैं आपके साथ इंटरनेट पे वायरल हो रही डालगोना कॉफ़ी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ। जनरली देखा जा रहा है कि सारे यूट्यूब चैनल, इंस्टा और टिकटॉक पे ये बहुत वायरल हो रही है, इसकी रेसिपी सभी डाल रहे हैं, लेकिन कोई ये नहीं बता रहा कि अगर आप इसको सही से नहीं बनाएंगे तो ये कड़वी बनती है। तो क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने हैं हमें, वो सारा मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल ग्रो हो और आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक तो ज़रूर कीजिए। वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, एक एक स्टेप को आपको फॉलो करना है, और मैंने दोनों तरीके बताए हैं। आप मशीन से भी इसको बना सकते हैं और विदाउट मशीन भी बना सकते हैं, तो दोनों ही तरीके आप देख लीजिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 टीस्पून कॉफ़ी लिया है, फिल्टर कॉफ़ी है, किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। मैंने नेस्कैफे लिया है, ये 3 सर्विंग्स के लिए 5 टीस्पून आपको लग जाएगा। इसमें इक्वल अमाउंट में ही आपको चीनी ऐड करना है, और चीनी आप हो सके तो उसको पीस करके, उसको ग्राइंड करके ले लीजिए। पाउडर फॉर्म में अगर आप रखेंगे तो वो बहुत ईजिली जो है उसे हम बीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चीनी को पीस लिया था मिक्सी में, और उसको फिर 5 टीस्पून यहाँ पे ऐड कर लिया है। और इसमें इक्वल अमाउंट में ही हमें पानी लेना है। पानी जो लेना है वो गुनगुना होना चाहिए, ल्यूक वार्म होना चाहिए, हॉट नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा। तो ये सारा कुछ इसमें हम ऐड कर लेंगे और इसको एक अच्छा सा फ्रॉथ बनाएंगे। तो ये फ्रॉथ जब हम बनाते हैं, इसी में टेक्निक है कि ये कैसे हम करें कि ये कड़वी नहीं हो। तो चलिए मैं एक एक करके बताती हूँ कि स्टार्ट कैसे करना है। तो यहाँ पे जो विस्कर है मेरे पास, मैं इससे विस्क करूँगी इसको। आप चाहें तो फोर्क भी ले सकते हैं। तो स्टार्ट आपको जो करना है वो जस्ट मिक्स करना है, आधे से एक मिनट तक इसको आप सिर्फ मिक्स कीजिए। बहुत ही धीरे धीरे आपको करना है, फास्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग में अगर आप तेज़ करते हैं इससे भी कड़वी हो जाती है। तो सबसे पहले तो इसको स्लो स्टार्ट करिए, उसके बाद जब जैसे ही एक मिनट हो जाए उसके बाद आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा तेज़ी से करना है इसको बीट। तो देखिए हल्का सा आ गया यहाँ पे क्रीमी टेक्सचर जैसे आ गया, अब इसको हम अच्छे से तेज़ी से बीट करने लगेंगे। और इसमें आपको करना क्या है कि कड़वी ना हो, तो आपको चेक करते रहना है कि आपका जो बोल है या मिक्सचर है वो गर्म तो नहीं हो रहा। अगर गर्म हो रहा है तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में डाल दीजिए, थोड़ी देर 5 से 6 मिनट के लिए फ्रिज में डाल दीजिए, वापस से इसको बीट कीजिए। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपका हाथ नहीं थकेगा, और दूसरा जो फ्रोथ है हमारा, क्रीम है, वो हमारा बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। तो इसको गर्म नहीं होने देना है, अदरवाइज ये कड़वा हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं फेंटते हुए इसको, लगभग मेरे को 5 से 6 मिनट हो गया, बीच में मैंने एक बार इसको फ्रिज में रख दिया था। अभी देखिए जब इस टेक्स्चर में आ जाए, बिल्कुल इस तरीके से आ जाना चाहिए, वो भी आप देखिए देख सकते हैं इस तरीके से आ जाए, तब ये देखिए हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो ये हो गई, आप इस तरीके से फोक से या विस्कर से अपने हाथों से इसको बना सकते हैं। तो नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं आपको दिखाऊंगी मशीन से कैसे बनाते हैं, वो हम देख लेते हैं। इसके लिए भी मैंने एक बोल में कॉफ़ी ले लिया है, 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पर कॉफ़ी लिया है, 4 छोटे चम्मच के करीब ये हो जाता है। एक जो नेस्कैफे की छोटी वाली जो 10 रुपए की पाउच आती है वो भी इतना ही है, सेम मेजरमेंट में मैंने लिया है। इसमें इक्वल अमाउंट में चीनी और पानी जैसे हम उसमें डाले थे वैसे ही हमने डालना है। और यहाँ पे जो हमारा हैंड ब्लेंडर है, इलेक्ट्रिक हैंड ब्लेंडर, उससे स्लो वाली स्पीड पर आपको 1 मिनट के लिए फेंटना है। उसके बाद आप स्पीड को हाई कर लीजिए, 1 मिनट और फेंटिए, फिर से वापस फ्रिज में मिक्सचर को रखने के बाद फिर हम 1 मिनट के लिए और फेंट लेंगे, और 3 मिनट में ही ये इस तरीके से तैयार हो जाता है। तो मशीन से आप करते हैं तो ये 3 से 3.5 मिनट में आपका बहुत अच्छा फ्रॉथ बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अब सर्व करने की बारी आती है। तो एक गिलास में मैंने थोड़ा सा चॉकलेट सिरप लगा लिया है, तो इसको मैं कोल्ड भी बनाऊँगी और हॉट भी बनाऊँगी, आप दोनों ही ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको कोल्ड मिल्क के साथ, आइस क्यूब्स के साथ भी ले सकते हैं, और हॉट मिल्क के साथ भी ले सकते हैं। तो मैं आइस क्यूब अभी यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारे वायरस और कोरोना वायरस है, तो ज़्यादा चील्ड कुछ नहीं ले तो बेहतर है। तो मैं जस्ट नॉर्मल मिल्क यहाँ पे ले रही हूँ, एक में
गर्म मिल्क लेना है और एक में आपको थोड़ा सा फ्रिज में रखा हुआ मिल्क ले लेना है। दोनों ही मैंने ले लिया है, गर्म भी और ठंडा भी, और बाकी का प्रोसेस सेम है। इसमें 1/3 आप जो हमने फ्रॉथ तैयार किया है वो आप इसको ऐड कीजिए, बिल्कुल लेवल पे कर दीजिए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर में भी रखिए और इसको अच्छा सा डिज़ाइन बना दीजिए। अगर आप चाहें तो इसकी टॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मनपसंद चॉकलेट सॉस से, कोको पाउडर से या कॉफ़ी से, तो इसको सजाइए। और ये वैसे भी बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बन के तैयार होती है, चाहे आपकी इसको कोल्ड में कंज्यूम करें या हॉट लें, दोनों ही कॉफ़ी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। और अगर आप इस प्रोसेस से बनाते हैं तो कड़वी तो बिल्कुल नहीं बनेगी, बहुत ही यमी बन के तैयार होगी। तो इसको ज़रूर बनाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और इसके सारे इंग्रेडिएंट आपको घर में आराम से मिलने वाले हैं, तभी ये क्वारंटाइन टाइम के लिए क्वारंटाइन कॉफ़ी के नाम से भी फेमस है। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।